तो जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, नीमच मंडी की लहसुन की और अन्य जिन्सों की आवक देख लेते हैं। आज 3 जून 2020 से नीमच मंडी सभी किसान भाइयों के लिए खुल चुकी है। जी हाँ, कोई गांव का लिमिट नहीं, बंदिश नहीं कि फलाने गाँव का माल आएगा। देश के किसी भी कोने से किसान भाई नीमच मंडी में अपनी उपज विक्रय हेतु ला सकता है। मगर जो नीलाम होगा वो सिर्फ ट्रैक्टर ट्रोली में होगा, जमीन पर फर्श ये देख सकते हैं आप, इन फर्शों पर ढेर नहीं होगा। सिर्फ होगा तो नीलाम ट्रोली में, खुली नीलामी होगी ट्रोली के अंतर्गत। तो ट्रोली में या पिकअप में या वाहन में ही आपका माल रहेगा। एक जैसा लोड लाए गाड़ी के अंदर ताकि आपको समस्या ना आए, क्योंकि 2-3 लोड होंगे तो माल बिकने में समस्या आ सकती है। एक ट्रोली में, एक पिकअप में एक ही लोड लाएँ, एक जैसा लोड लाएँ जिससे माल बेचने में आपको सुविधा हो और किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चाहे वो किसी भी देश का किसी भी कोने का माल हो, सभी जगह का माल अब आ सकता है नीमच मंडी में। और अपनी सुविधा का ध्यान आप अवश्य रखें, मास्क लगा कर ही रखना, क्योंकि आप हर जगह के लिए मंडी ओपन है, हर व्यक्ति आ सकता है जा सकता है। बात करें गेहूँ की आवक की, तो लगभग गेहूँ की अभी तक 35 ट्रोली की आवक है। लहसुन की 20 ट्रोली के आसपास में भी आवक है। और कलौंजी में आज बम्पर आवक देखने को मिली है। कलौंजी की आवक बन चुकी है आज लगभग 11 गाड़ी साधन खड़े हुए हैं, जिसकी आवक लगभग 500 बोरी के आसपास में है। 500 बोरी की कलौंजी की आवक बनी है आज मंडी में। और सोयाबीन की 5 ट्रोलियों की आवक है, मेथी की 3 ट्रोलियों की आवक है अभी तक, और पोस्ते की आवक तो लेट आती है। तो धीरे धीरे आवकों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं लहसुन की कितनी गाड़ियों की आवक है और कौन कौन सी क्वालिटी वाला माल अभी तक आया है। आज की आवक देख लेते हैं नीमच मंडी की क्या बनी है। नीमच मंडी आज से सभी किसान भाइयों के लिए खुल चुकी है, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हो। कोई गांव वाइज रोटेशन नहीं है। आज आवक कम होने का कारण ये है, कल नीमच में बरसात हुई थी ज़ोरदार, और जिसकी वजह से नीमच के आसपास के सभी इलाकों में ज़ोरदार पानी गिरा है, जिसकी वजह से आवकों में फ़र्क देखने को मिला। ये ट्रॉली लगातार आ रही है, जा रही है, गेहूँ की है, लहसुन की है, आवकें आ रही है। फूड क्वालिटी टाइप का माल है, पुली और फूड मिक्स माल है। ये को पिकअप आई है, तो दोस्तों आवके लगातार बनी रही है और आवके बनती रहेगी अब, क्योंकि हर जिले का माल प्रवेश दिया जा रहा है। कहाँ से हो दादा, कहाँ से हो आप? अरे कहाँ से हो? मैं हाँ रतलाम से। तो दोस्तों रतलाम का माल भी आज नीमच में आ चुका है, क्योंकि नीमच मंडी ओपन हो चुकी है, खुली हो चुकी है सभी किसानों के लिए, चाहे वो देश के किसी भी कोने से आए। जो गांव वाइज पद्धति चल रही थी वो बंद हो चुकी है, और ये पिकअप पूरी एक रतलाम से आई है। इसके अलावा और क्वालिटी देख लेते हैं लहसुन की, आवकों की पूरी स्थिति फुल ट्रॉली है और आवके में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो देसी लहसुन है बड़ी क्वालिटी में, मोटे मालों की जो डिमांड है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आ नहीं रहा था तो ये मोटा माल है। लगभग इसकी रेंज 5800 रुपये के आसपास की रेंज पक्की है। फिर देखते हैं आज नीलाम में क्या बिकता है। मोटे मालों की भी आवक कुछ बन गई है, अपना माल है और आवक में इजाफा है। एक्चुअली ये है क्वालिटी देख सकते हैं, तो लगभग एक्स्ट्रा माल तो नहीं है, मगर धीरे धीरे सुधार है। आवके सब जगह खुली भी है। अपना माल है, कहाँ से हो? पिपलोन। कहाँ पर आ गया? अच्छा, पास वाला पिपलोन में से रतलाम के पास। तो उसमें पिपलोन या नीमच के पास का ही है। और आवक की स्थिति आप देख सकते हैं, आवके धीरे धीरे बढ़ रही है, ट्रोलियों की संख्या अभी तक तो ये एक और ट्रोली आ रही है, तो आवके बढ़ रही है। ये एक और अच्छी क्वालिटी का माल, वाइटनेस अच्छा, तो क्वालिटी देख सकते हैं। मगर तो आवके धीरे धीरे बढ़ रही है और ट्रोलियों की संख्या भी बढ़ती हुई जा रही है। ये एक और ट्रोली है, मीडियम क्वालिटी का लहसुन है, मीडियम माल लहसुन मीडियम क्वालिटी। तो धीरे धीरे आवकों का इजाफा हो रहा है नीमच मंडी में। सभी क्षेत्र के लिए मंडी खुल चुकी है, कोई गांव का बंधन नहीं। देश के किसी भी कोने से कोई भी किसान भाई अपना उपज लेकर नीमच मंडी में आ सकता है। मगर नीलाम होगा सिर्फ ट्रोलियों के अंतर्गत, खड़ी गाड़ी में, नीचे ज़मीन पर फर्श पर ढेरों के माल नहीं बिकेगा। ये और आवक देख सकते हैं आप, तो मोटे मालों की तो एकदम एक्स्ट्रा क्वालिटी वाली आवके तो नहीं है, एक लोट ही मिला है अभी तक, और ये भी अच्छी क्वालिटी है। नमस्कार जी। और ये एक और आवक देख सकते हैं, तो आवके धीरे धीरे बढ़ी है। बिल्कुल अपना है, अपना माल है। कटे से हो दादा? धामनिया से है, पास के गांव से ही हैं। और देसी लहसुन? जीटू लहसुन लाए हैं। तो दोस्तों क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है, वाइटनेस भी अच्छा दिख रहा है। जीटू बीच में तो जीटू में लेवाली काफ़ी नज़ारत नज़र आ रही थी, मगर अब तो लास्ट मंडी 6000 रुपये ऊपर बिकी है जीटू।
और ये जीतू लहसुन की क्वालिटी आप देख सकते हैं, धीरे धीरे आवक बढ़ रही है। कोई गांव का बंधन नहीं है, देश के किसी भी कोने से आप नीमच मंडी में माल आ सकता है। पहले सिर्फ गांव वाइज लिस्ट थी, तो अब सभी जगह के लिए मंडी ओपन हो चुकी है और आवक धीरे धीरे ही बढ़ेगी। तो ये आज की आवक है अभी तक की, आप देख सकते हैं नीमच मंडी की लहसुन की लगभग 20 ट्रोली के आसपास में आवक अभी तक बन चुकी है। तो ये पूरी आवक आज की नीमच मंडी की लगभग 20 ट्रोली के आसपास आवक बनी है और आवक धीरे धीरे इजाफा, क्योंकि सभी जगह के लिए मंडी खुल चुकी है, बंधन और लिमिट हट चुकी है।